बिसम तो वी आर डिस्कसिंग वैल्यू एट रिस्क आज हम उसको थोड़ा सा फर्दर डेप्थ में बात करेंगे विल टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और इसकी लिमिटेशन क्या है या व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑन दिस पर्टिकुलर वैसे तो बहुत बेनिफिशियल है यूज़ भी हो रहा है बट वी नीड टू नो एवरीथिंग हैज़ सम गुड्स एंड बैड्स ऑफ इट एडवांटेज ऑफ वेर वर इज़ जस्ट वन नंबर गिविंग यू रफ आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिस्क इन पोर्टफोलियो आपको एक नम नंबर बता दिया कि आपके पोर्टफोलियो में इतनी अमाउंट का रिस्क है वो एक ईजी टू इंटरप्रेट है समझने में भी आसान है एप्लीकेशन उसकी ईजी है तो इट्स वही वहीड इन द प्राइस तो कॉमन फैक्टर है पोर्टफोलियो वैल्यू में आप उसको बता रहे हैं तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टर कैन मईर एंड कंपेयर वेर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड वेरियस पोर्टफोलियो पर दो पोर्टफोलियो की ऑप्शन है कि या इसमें इन्वेस्ट कर लें या दूसरे में इन्वेस्ट कर लें तो यू कैन ईजिली सी कि दोनों में क्या वेर की डिफ्रेंसेज हैं एंड बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया यू कैन सेलेक्ट द वन विच इज़ बेटर या बिटवीन एसिड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसका कितना रिस्क है आप उसे अब्जॉर्व कर सकते हो तो हमें इस पोर्टफोलियो सिलेक्शन में भी हेल्प करता है एसिड सेलेक्शन में भी ये हेल्प कर देता है ये सबसे एक इंटरेस्टिंग और अच्छा इसका बेनिफिट है वायर इज एप्लीकेबल ऑन स्टॉक्स बॉन्ड्स करेंसीज डेरिवेटिव इसके पीछे रह गया क्या वैसे बट यानी कि जहाँ पे भी फाइनेंशियल वैल्यू असाइन की जा सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किसी भी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे वायर की कैलकुलेशन हो सकती है तो दैट मीन इट कैन इट्स अप्लाइड ऑन द होल यूनिवर्स ऑफ द मेन फाइनेंशियल एसेट्स जहाँ पे भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स पाक हैं उन सब पे ये अप्लाई हो सकता है तो आप क्रॉस द बोर्ड डिफरेंट ऐसे क्लासेस में अप्लाई करके यू कैन सी द इम्पैक्ट सो आपके लिए ये नहीं है कि ये सिर्फ जी बॉन्ड पे लगना है या सिर्फ स्टॉक्स पे लगना है इट कैन बी स्प्रेड इन द होल स्पेक्ट्रम वेयर इज़ फ्रीकुंट पार्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी अब इमर्जिंग है और यूज हो रहा है एक्सटेंसिवली तो अब फाइनेंशियल जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यूच यू बाय और या जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं उसमें वायर को बिल्ट इन किया जा रहा है तो दैट मीन्स यू कैन बाय क्लिक ऑफ बाय वन क्लिक यू कैन गेट द वायर वैल्यू उन्होंने सॉफ्टवेयर में उसकी कन्फिग्रेशन ऑलरेडी की हुई है इसकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है इतनी यूटिलिटी हो गई है तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट के हमारे वैल्यू एड रिस्क क्या है ये डाटा डाले पोर्टफोलियो की वैल्यूज़ एंड जो यू एंडल गेट दैट बिकॉज वो सॉफ्टवेयर ने उसको ऑलरेडी बिल्ट इन किया हुआ है प्लस हमने जैसे बात की थी सिमुलेशन की मॉन्टी कार्लो तो वो भी हमें हेल्प आउट करेगी क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर उसमें बिल्ट इन आ रहे हैं तो दैट विल बी टेक केयर विद कैलकुलेशन ऑफ वेर दे डोंट हैव टू बी स्टैटिस्टिक्स विजर्ड हमें वो पूरा स्टार्ट का स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है वी पुट द बेसिक इनपुट्स एंड विल गेट द वेर फिगर एंड दैट वी कैन यूज इन आर एनालिसिस और रिस असेसमेंट में हम उसको कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए फेसिलिटेट करेगा डाटा को पिक करके इट विल बी रेडीली गिव यू विद द फिगर ऑफ़ द वैल्यू एड रेस्क वेर की आपको वैल्यू जो है वो दे दी जाएगी सो दैट द ब्यूटी के एक्सटेंसिवली यूज़ भी हो रहा है अडेप्टबिलिटी भी है और इवन उसको सॉफ्टवेयर में भी बिल्टिन किया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ बेग एडवाज ऑफ वैर वैर की हमने बात की बहुत फ़ायदे हैं डेफिनेटली बट अगेन देर आर फ्यू लिमिटेशन विच वी शुड ऑल्सो नो ताकि हम इसको किसी भी चीज़ को हमने ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना अडाप्ट नहीं करना वी शुड नो इसकी लिमिटेशन क्या है वेअर इट लैक्स

99 परसेंट कॉन्फिडेंट कि हम 2.3 मिलियन तक लूज़ करेंगे इससे ज़्यादा नहीं करेंगे 99 परसेंट तो लोग समझते हैं बस यही है जी 99 तो बड़ा हाई नंबर है तो 2.3 से ज़्यादा नहीं है स्पेशली वैन द कैलकुलेट जब कॉन्फिडेंस लेवल 99 है एज़ इट्स नेम से तो एक कम्फर्ट आ जाती बट ये इतनी भी ट्रू पिक्चर नहीं है इन अ सेंस के स्टिल देर इज़ वन एलिमेंट इज़ देयर और अब उस वन को फर्दर हम बात करते हैं कि वो कैसे है इवन वन द इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ वेयर ऑन कॉन्शियस लेवल सबसे कॉन्शियसली नाइन्टी नाइन को आपको एक आता है कि जी हम सेफ़ हैं कॉन्फिडेंट हैं बड़ी कम्फर्ट नाइन्टी फाइव पर थोड़ी कम्फर्ट कम होगी नाइन्टी नाइन पर तो हाई कम्फर्ट आ जाएगी पीपल विल भी लाइक कि हम बड़ा रिस्क फ्री हो गए हैं या इतनी अमाउंट तक हमारा रिस्क है हमें हम कैप्चर हैं लेकिन ये इतनी सिंपल बात नहीं है अब मैंने आपको ये बताया कि 99 परसेंट चांस है कि 2.3 मिलियन तक लूज़ करेंगे अब जो वो 1 परसेंट है वो कितना है वो तो 2.4 है 2.5 है या 3 है या 5 है या इवन पूरा 50 मिलियन भी लूज़ कर सकते हैं उसकी हमने कहीं बात नहीं की इसका मतलब ये है कि जो वो वन परसेंट है उसकी कोई मैक्सिमम बात यहाँ पर नहीं कर रहा वैर उसको कैप्चर नहीं कर रहा 99 नाइन परसेंट नाइन्टी जो भी परसेंटेज हमने बात की वो उतनी तो ठीक है कि इतने चाँस हमारे चांस है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा लेकिन जब ज़्यादा होगा तो कितना होगा दैट कैन बी वेरी ह्यूज वेरी हाई और वो फिर ये मॉडल उसको कैप्चर नहीं करता तो वी शुड बी केयरफुल विद दैट पार्ट एज वेल वैन कैलकुलेटिंग वायर एट इज मई टू एस्टिमेट नॉट ओनली रिटर्न वॉलेटिलिटी बट ऑल्सो को रिलेशन बिटवीन द हमने बात की भी है को रिलेशन क्या होता है कि दो एसिड्स का आपस में लिंकेज क्या है तो so, हम अगर पोर्टफोलियो की वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उसके रिस्क को देख तो रहा है लेकिन उसके साथ को को भी देख रहा है तो so, अगर आपकी को की कैलकुलेशन में इशू होगा देन इट विल बी अनादर प्रॉब्लम एंड देन अगेन इट्स नॉट दैट एडिटिव इन अ सेंस कि अगर हम दो एसट्स को ले रहे हैं उनकी को का हमें पता होगा तो हम इसको बेहतर तरीके से कैप्चर करेंगे और को की कैलकुलेशन अगर हमारी ठीक नहीं है तो दैट अगेन कैन बी अ कंसर्न द फैक्ट द को रिलेशन बिटवीन रिस्क फैक्टर्स एंड वायर इज़ ऑल्सो रीजन वा वायर इज़ नॉट सिम्पल एडिटिव सिम्पल एडिटिव नहीं है कि दो एसिड्स हैं उनकी वायर ले कर उनको प्लस कर देंगे तो पोर्टफोलियो की वायर बन जाएगी नो इट्स नॉट लाइक दैट पोर्टफोलियो नीनिंग एसिड ए एंड बी ड नॉट इक्वल द सम ऑफ वायर ऑफ एसिड ए और बी को प्लस कर देंगे तो वो ए बी की वायर बन जाएगी नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि को रिलेशन का रोल आएगा जो उसको कैप्चर करना है तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि को का क्या डायनेमिक्स है और वो कितना लिंक और वो को भी चेंज हो जाती हैं ओवर पीरियड टू पीरियड अ कॉमन मिस्टेक वाइद यूजिंग क्लासिक वेरियंस एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक बड़ी जम्शन थी एनालिटिकल वेयर की कि जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है हमेशा ऐसा नहीं होता वी हैव सीन क्यूएनएस भी आती है क्यूटोसिस भी आते हैं यानी कि शिफ्ट भी हैं पोल्स भी हैं तो वो हमारे उसको डिस्टॉर्ट करती हैं तो ये एक्जम्पन बड़ी क्रिटिकल है जो कि के हमें केयरफुली देखनी है कि ये एजम्प्शन ली हुई है इसने तो हाओवर एड्रेस इज़ यूज़फुल लेकिन स्टिल हमें ये हम इसको डिसएडवांटेज इसलिए पढ़ नहीं रहे कि हमने इसको छोड़ देना है हम कह रहे हैं इसको पढ़ना है लेकिन इसके साथ फिर इसको किसी आइसोलेशन में नहीं देखें इसके साथ कुछ और मयस भी यूज़ करें या ये फैक्टर्स भी माइंड में रखें थैंक यू